में आपका स्वागत है, मैं असरार अहमद। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। भारत में 9000 से ज़्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और 300 से ज़्यादा की अब तक मौत हो चुकी है। कोरोना के कहर को देखते हुए देश में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन जारी है। इसे बढ़ाने के भी संकेत मिलते दिख रहे हैं। उधर जिन इलाकों में कोरोना के कम मामले हैं, वहाँ सरकार लॉकडाउन को धीरे धीरे ख़त्म करने का विचार भी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार की सुबह 10 बजे देश को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि वो कोरोना वायरस की वजह से लगाए गए लॉकडाउन को लेकर नया कोई ऐलान करने वाले हैं। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में संकेत दिए गए हैं कि लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया जाए। इस पर लगभग सभी राज्यों ने सहमति भी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि अब आम जन का स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के साथ साथ देश पर भी ध्यान केंद्रित करें। प्रधानमंत्री ने बैठक में मुख्यमंत्रियों से कहा कि ध्यान अब जान भी है, जहान भी पर होना चाहिए। ध्यान अब जान भी है और जहान भी है, इस पर होना चाहिए। इसके साथ साथ दवा के प्रोडक्शन यूनिट को भी मंजूरी मिलने पर सहमति बनती दिख रही है। बस, रेल सेवा और हवाई यात्रा में हालांकि फिलहाल कोई छूट मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं जिन इलाकों में कोरोना हॉटस्पॉट घोषित किया गया है, वहाँ किसी भी तरह की कोई रियायत मिलने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। बाकी इलाकों में प्रोडक्शन की इजाज़त मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक राज्यों को भी फैसला का अधिकार दिया जाएगा। हालांकि राज्यों ने केंद्र पर ही इसका फैसला छोड़ा है। बता दें कि देश के 18 राज्यों के 91 जिले में 80% कोरोना मामले हैं। दिल्ली, मुंबई, इंदौर और पुणे पर ज्यादा नजर और निगरानी है। यहां के मामलों में कमी के बाद ही सही तरह से आकलन होगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि मई के पहले हफ्ते के बाद हालात बेहतर हो पाएगा। उधर लॉकडाउन हटाने के लिए कई चरणों में काम शुरू हो गया है। इसके लिए देश को 3 जोन में बांटे जाने की कवायद शुरू की जा रही है। इसके तहत ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन बनाए जा रहे हैं। लॉकडाउन को इन्हीं जोन के हिसाब से लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की 4 घंटे की मैराथन बैठक में चाहे लॉकडाउन 2 हफ्ते बढ़ाने पर सहमति बनी हो, लेकिन ये भी आम राय है कि इसे धीरे धीरे हटाया जाए। पीएम ने जान भी जहान भी की बात कहकर यह स्पष्ट कर दिया है कि अब वो लॉकडाउन को कुछ हटाना चाहते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बैठक में बताया कि उनकी सरकार ने 1 मई तक कर्फ्यू लगाए रखने या पूरी तरह बंद करने का फैसला कर लिया है। सभी शिक्षक संस्थान 30 जून तक बंद रहेंगे। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुझाव दिया है कि देश भर में लागू लॉकडाउन की अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ाई जानी चाहिए। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी 30 अप्रैल तक अपने राज्य में लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। तो वहीं दूसरे मुख्यमंत्रियों ने भी इस लॉकडाउन को बढ़ाने की बात कही है। लेकिन अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि देश भी है, जान भी है, जहान भी है, दोनों को देखना है। जब